नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 जून, दिन शुक्रवार। आगे राजनीति जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को दी नसीहत। ललन सिंह ने अमित शाह को दी चुनौती। बिहार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामायण वाले बयान पर उनके भाई ने कही ये बात। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से की यह मांग। जदयू ने कहा, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के बावजूद भी फ्लॉप रही शाह की जनसभा। अब चले बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को दी नसीहत। बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली में परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत गैर बिहार अभ्यर्थियों को भी बिहार शिक्षक के भर्ती हो सकती है। अब शिक्षक भर्ती नियमावली में हुए बदलाव पर खूब सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है। इसे लेकर विपक्ष के साथ साथ महागठबंधन में मौजूद नेता भी अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसे लेकर अब पप्पू यादव का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने बिहार सरकार को नसीहत भी दे डाली है। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को भारत के नागरिक के तौर पर नहीं देखा जाता है। तमाम प्रदेशों में बिहार के लोगों को श्रम शक्ति से देश का निर्माण हुआ है। बिहारियों के ज्ञान विज्ञान ने भारत को ऊर्जा दी है। भारत में सर्वाधिक गरीबी और बेरोजगारी बिहार में है। बिहार के लोगों को बाहर के राज्यों में तरजीह नहीं दी जाती। शिक्षक भर्ती में 10 से 20% बाहरी लोगों को समायोजन कीजिए। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मगर 80% बिहारियों को लिया जाए। क्या मोदी कैबिनेट में मिलेगी चिराग पासवान को जगह? सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद कैबिनेट में फेरबदल किए जा सकते हैं। दरअसल भाजपा नेताओं की बुधवार को 5 घंटे तक बैठक चली थी। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में राज्य स्तर सहित सरकार और पार्टी के संगठन में बदलाव पर बात होने की चर्चा चली। दरअसल यह बैठक आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया था। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि कई नए चेहरों को केंद्रीय मंत्री का पद दिया जा सकता है। वहीं बिहार में जातीय समीकरण को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री पद के नए चेहरों में चिराग पासवान का नाम भी सामने आ सकता है। वहीं महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे गुट के नेता को भी केंद्रीय मंत्री पद में जगह दिए जा सकते हैं। अमित शाह ने कहा, लालू को बेवकूफ बना रहे नीतीश। अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हुए तंज कसा, साथ ही विपक्षी एकता के महाजुटान पर भी निशाना साधा है। आगे उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू बाबू कहते हुए कहा कि वे पूछ रहे थे बीजेपी के 9 साल में क्या किया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू जिनके साथ इतना बैठे, जिनके कारण आज मुख्यमंत्री बने हुए हो, उनका थोड़ा लिहाज करिए। पीएम मोदी ने इन 9 सालों में बहुत काम किया है। मोदी के 9 साल गरीब कल्याण, भारत गौरव, भारत की सुरक्षा के 9 सालों में बहुत काम किया है। मोदी के 9 साल गरीब कल्याण, भारत के गौरव, भारत की सुरक्षा के 9 साल है। विपक्षी एकता बैठक की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 23 जून को करीब 21 दल पटना में जुटे थे। ये बैठक बीजेपी को 2024 में रोकने के लिए हुई थी। नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए कांग्रेस के दरवाजे पर बैठे हैं। नीतीश को पीएम नहीं बनना है, वो सिर्फ लालू को बेवकूफ बना रहे हैं। उनकी चाहत सिर्फ बिहार का सीएम बने रहने की है। ललन सिंह ने अमित शाह को दी चुनौती। बीते ही दिनों अमित शाह जनसभा को संबोधित करने बिहार पहुंचे थे। इसे लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह पर तंज कसा है। उन्होंने अमित शाह को कहा कि इतना घबराना ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने ट्वीट करते हुए गृहमंत्री को चुनौती दी और कहा कि साबित कीजिए कि मुंगेर में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुलवाने में केंद्र सरकार का 1 रुपया भी लगा है। वहीं आगे दावा करते हुए उन्होंने कहा कि मुंगेर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार सरकार की योजना का प्रतिफल है और इसमें 100% राज्य सरकार का रुपया लगा है। इसमें केंद्र सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा है। बिहार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामायण वाले बयान पर उनके भाई ने कही ये बात। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री और राजद के नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर के बड़े भाई और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद यादव आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने बापू सभागार में ली। सदस्यता लेते ही उन्होंने अपने भाई और बिहार सरकार में मंत्री चंद्रशेखर पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने भाई पर रामचरितमानस पर दिए गए टिप्पणी को लेकर कहा कि उनके भाई चंद्रशेखर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ी मल कॉलेज से मात्र 1 साल तक इतिहास की पढ़ाई की। वह पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर रहा है। इतिहास के बारे में उसे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह जरूरी नहीं कि राजनीति में विचार मिले, वहीं आरजेडी में है, लेकिन मेरा विचार बीजेपी से मिलता है। प्रधानमंत्री के किए गए कामों से हम प्रभावित हैं। अपनी राजनीतिक दशा तय कर रहे प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दी नसीहत। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में कांग्रेस की जमीनी हकीकत की पोल खोलते हुए कहा कि आज कांग्रेस बिहार में कहीं नहीं है और ना कोई नेता जमीन पर दिखता है। बस आज वो महागठबंधन वाली सरकार में शामिल है, तो सरकार में बहुत लोग शामिल है, इससे क्या हो गया। आज कांग्रेस राजनीतिक संगठन होने के नाते बिहार में कहीं नहीं है, ना ही उनके नेता कुछ करते दिखते हैं। अगर उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव जीती है, तो मैं कहना चाहूंगा
कि कर्नाटक में मिली जीत को कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत के तौर पर ना देखे। पिछले चुनावों की बानगी देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा के लिए 2013 में हुए चुनाव में कांग्रेस जीत कराई, उसके एक साल बाद ही 2014 के आम चुनाव में बीजेपी सबसे अधिक लोकसभा की सीटें जीत कराई। आपको याद होगा कि 2018 के दिसंबर में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीत कराई, लेकिन उसके ठीक चार महीने बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा और खाता तक नहीं खुला। इसलिए मैं कांग्रेस या अन्य पार्टियों को भी बता रहा हूं कि देश में हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने इन्हें बताया विपक्षी पार्टियों का दुल्हा। बिहार में अक्सर विरोधी दल यह सवाल खड़े करते हैं कि विपक्षी दलों दुल्हा कौन है। अब इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल लालू यादव ने मजाकिया लहजे में राहुल गांधी से पूछा था कि आप शादी कब कर रहे हैं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लालू यादव ने तो साफ कर दिया राहुल गांधी को दुल्हा बताकर, और खुद कहा कि हम लोग बाराती बनेंगे, तो इसका सीधा राजनीतिक अर्थ है। अब जब इस स्थिति में राहुल जी का नाम आ गया है तो सीएम नीतीश कुमार कहीं नहीं है। अब गलतफहमी का कोई शिकार हो तो कोई क्या कर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक के बाद नीतीश कुमार ने अपनी तमाम संभावनाएं खुद ही खत्म कर ली। एक समय था कि नीतीश कुमार में देश का नेतृत्व करने की संभावनाएं दिख रही थी, कभी वह पीएम मटेरियल थे, लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत करने के बजाय दूसरे दलों को मजबूत करने में लग जाने के कारण नीतीश कुमार ने अपनी तमाम संभावनाओं को खुद खत्म कर लिया है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से की यह मांग। भाजपा सांसद ने बिहार शिक्षक नियुक्ति को लेकर बिहार सरकार का घेराव करते हुए कहा कि स्कूली शिक्षकों से लेकर कॉलेज के सहायक प्राध्यापकों तक की नियुक्ति में अराजकता फैलाकर नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पूरा बंटाधार कर दिया है। आगे उन्होंने कहा कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत आवेदन मांगे जा रहे हैं, लेकिन अब तक 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों में से मात्र 1200 ने आवेदन किया है। ये साबित करता है कि नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के प्रति लोगों में कितना आक्रोश है। वही मांग करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तत्काल सभी नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा दें। जदयू ने कहा करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के बावजूद भी फ्लॉप रही शाह की जनसभा। आगामी चुनाव को देखते हुए पक्ष विपक्ष दोनों ही इसके तैयारी में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में राजनीतिक दलों की लगातार बैठक और संभावनाएं देखी जा रही। बीते ही दिनों अमित शाह भी अपने जनसभा को संबोधित करने बिहार पहुंचे थे, इसे लेकर अब जदयू पार्टी से बयान सामने आया है। दरअसल जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह ने अमित शाह की जनसभा को पूरी तरह असफल बताया है। साथ ही कहा है कि जनसभा में सड़क छाप शब्दों का इस्तेमाल कर उन्होंने गृह मंत्री के पद को भी कलंकित किया। आगे उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के बावजूद भी अमित शाह की जनसभा का फ्लॉप होना भाजपा के प्रति बिहार की जनता में आक्रोश का ताजा सबूत है। वहीं जदयू के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने चुनौती देते हुए कहा कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव मुंगेर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ लड़कर दिखाएं। अमित शाह ने बिहार की जनता से जंगल राज मुक्त करवाने की कही बात। बीते ही दिनों विपक्षी एकता बैठक के जवाब में अमित शाह बिहार पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी की चर्चा करते हुए कहा कि 20 साल से राहुल बाबा की लॉन्चिंग की जा रही है। इस बार भी कांग्रेस ने पटना से राहुल गांधी को लॉन्च किया। बिहार की जनता भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाती है। उन्होंने कहा कि 2024 में जनता को तय करना है कि 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी चाहिए, 2024 में मोदी जी देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। आगे उन्होंने जंगल राज की बात करते हुए कहा कि जंगल राज वालों से बिहार को मुक्त कराओगे क्या? जो लोग सत्ता के लिए लालू नीतीश के साथ जा रहे हैं वह बिहार की चरमराती व्यवस्था को देख ले। गोलीकांड के बाद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार के प्रशासन पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी कांसे राम के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद को बीते बुधवार गोली मार दी गई थी। हालांकि गोली उन्हें छूकर निकल गई और अब उन्हें अस्पताल में छुट्टी भी मिल गई है। अपने साथ हुए इस गोलीकांड को लेकर अब उनका बयान सामने आया है। उन्होंने यूपी सरकार सीएम योगी का घेराव कर कहा है कि अब बिना सत्ता संरक्षण के नहीं हो सकता, सरकार की घोर लापरवाही है। मुख्यमंत्री का इस घटना पर बिल्कुल न बोलना स्पष्ट करता है कि वे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। बता दें कि आजाद जब यूपी के देवबंद क्षेत्र में थे तब हमलावर हरियाणा नंबर के एक कार में सवार होकर आए। इस दौरान उन्होंने 4 राउंड गोली चला दी। यह गोली आजाद के पेट को छूकर निकल गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार को बताया महंगाई का असली प्रायोजक। महंगाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि झूठ के बिसात बिछाकर जनता से अच्छे दिन आने वाले हैं का केवल छल किया गया। परिणाम ये है कि पिछले 9 सालों से जनता की थाली केवल महंगाई की आग में झुलस रही है। खान पान की जरूरत की चीजों के दामों में कोई कमी नहीं आई है और जनता की कमाई पर भाजपाई लूट हावी है। महंगाई को लेकर मोदी जी के मंत्रीगण नीत नए बहाने बनाते हैं और जनता की खाली होती थाली में झूठ और प्रोपेगेंडा परोसते जाते हैं। अगर उन्होंने कहा कि कुछ इकोसिस्टम के पहरेदार तो ये भी गिनवाते हैं कि महंगाई हमारे लिए कैसे अच्छी है, मोदी जी ने क्या किया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ऐसे व्याख्यान से जनता को बरगलाते हैं, पर अब जनता जागरूक हो रही है। जनता जान चुकी है कि जानलेवा महंगाई की असली प्रायोजक केवल मोदी सरकार ही है। इन नेताओं ने समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र सरकार को किया घेराव।
समान नागरिक संहिता को लेकर देश में काफी सियासी बवाल देखने को मिल रहा। पक्ष विपक्ष लगातार इसे लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में समान नागरिक संहिता को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार का घेराव किया है। दरअसल एमके स्टालिन ने यह मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह से बाधित करने और धार्मिक हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने इसे लेकर कहा था कि केंद्र सरकार को यूसीसी के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और इसे लागू करने के परिणामों पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं कपिल सिब्बल ने भी इसे लेकर सवाल खड़े किए थे। वहीं दूसरी तरफ 3 जुलाई को समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता वाले कानून और न्याय मामलों की संसदीय द्वारा बैठक बुलाई गई है। मणिपुर में राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने पर कही ये बात। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, इसे लेकर सियासी गहमा गहमी भी तेज है। अब इसी बीच राहुल गांधी का काफिला मणिपुर में चूड़ा चांदपुर की तरफ जा रहा था तो उनके काफिले को रोक दिया गया और पुलिस प्रशासन ने उनसे हेलीकॉप्टर से जाने की अपील की। इसके बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचे, मौजूद लोगों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रही। वहीं बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि मणिपुर के लोग ही राहुल के दौरे को विरोध कर रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी का एक ट्वीट भी सामने आया। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर के अपने सभी भाइयों बहनों को सुनने आया हूं। सभी समुदाय के लोग बहुत स्वागत और प्रेम कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। यूसीसी पर किसी तरह की बयानबाजी से बचने की शरद पवार ने दी सलाह। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बहस तेज देखी जा रही है। पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमलावर है। अब इसी कड़ी में शरद पवार का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यूसीसी के संबंध में किसी भी तरह के बयानबाजी या बहस में शामिल नहीं होने की सलाह दी है। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इसकी वजह बताते हुए कहा गया है कि यूसीसी का मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील होना है, जिसका असर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी पर भी पड़ सकता है। आयल अलावे किसी भी तरह की बयानबाजी भाजपा को एकता की कोशिश कर रहे विपक्ष पर हमलावर होने का मौका दे सकती है। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है महेंद्र कुमार, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, विपिन वर्मा, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद साकिर हुसैन, मनीष कुमार, किरण सिन्हा। चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, समान नागरिक संहिता के बारे में क्या आप जानते हैं? आप न जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।